हेलो फ्रेंड्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर थर्ड, जिसका नाम था पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो के फर्टिलाइजेशन पार्ट को पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पॉलिनेशन और उसके टाइप्स को डिस्क्राइब कर दिया था। इसमें मैं आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में बताऊँगी। फर्टिलाइजेशन क्या प्रोसेस थी? फर्टिलाइजेशन जिसमें कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होके जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा था, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? फर्टिलाइजेशन। अगर हम बात करें कि पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन कैसे होता है, पोलन ट्यूब डेवलप कैसे होता है, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट होता है, मैंने बताया था ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके अंदर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, मैंने बताया था ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टिग्मा होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टाइल होता है, और ये जो स्वेलन पार्ट देख रहे हैं ये हमारा ओवरी होता है। तो जो स्टिग्मा का जो बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होके स्टिग्मा पर ही आते हैं और पोलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन होता है वो स्टिग्मा के पार्ट में ही होता है, यानी कि स्टिग्मा के अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। हेयर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से वो हाइड्रोफिलिक प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इस प्रोटीन की वजह से इसमें एक स्टिकीनेस आ जाता है, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स आके इस स्टिग्मा पर स्टिक हो जाते हैं। अब स्टिग्मा पर स्टिक होने के बाद में ऐसी क्या कंडीशन मिलती हैं कि पोलन ग्रेन्स इसमें जर्मिनेट हो जाते हैं? एक्चुअली इसकी जो ये लेयर जो होती है, इस पर कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि इसके जर्मिनेशन में पोलन ग्रेन की जो एक्साइन वॉल होती है इसको ब्रेकेज करते हैं। इस एक्साइन वॉल को ब्रेक करने, मैंने आपको बताया था जब पोलन ग्रेन पढ़ाया था कि इसके एक्सटर्नल वॉल को एक्साइन बोलते हैं। एक्साइन को मैंने बताया था कि ये एक स्पेशल केमिकल से बनती हैं। इस स्पेशल केमिकल के बनने की वजह से ये किसी भी तरीके के बायोलॉजिकल प्रोसेस से नहीं ब्रेकेज होती है। इसको ब्रेक करने का काम जो करता है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होते हैं, वो इस पोलन ग्रेन की एक्साइन वॉल को डिग्रेड करने में मदद करते हैं, जिससे कि जर्मिनेशन की प्रोसेस आगे प्रोसीड होती है। अगर उन एंजाइम का नाम देखें तो सबसे पहला नाम होता है हमारा एस्टरेज। एस्टरेज जो होता है वो एस्टरेज काम क्या करता है? डिग्रेशन में। और दूसरा होता है एसिड एंड एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये भी जो एंजाइम होता है पोलन ग्रेन की एक्साइन वॉल को डिग्रेड करने में मदद करता है। जब पोलन ग्रेन डिग्रेड हो जाता है, पोलन ग्रेन की एक्साइन वॉल जो होती है वो डिग्रेड हो जाती है, तो उसके बाद पोलन ग्रेन इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे मैंने बोला था क्या, स्टाइल से होते हुए कहाँ पर आ जाता है? यहाँ जो हमारा एग एपरेटस के अंदर एग सेल प्रेजेंट है, यहाँ पे जो ये लेयर आप देख रहे हो, ये जो पार्ट है ये ओव्यूल का पार्ट है। मैंने ओव्यूल के अंदर आपको बताया था कि थिक लेयर स्ट्रक्चर होता है, इसे हम इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। इंटेग्यूमेंट के अंदर कुछ मैंने बताया था कि तीन सेल जो होती हैं वो अपर साइड में होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। जो सेंटर में प्रेजेंट होती हैं इन्हें बोलते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई, जो फर्दर डेवलप होके सेकेंडरी न्यूक्लियाई में डेवलप हो जाती हैं। और लास्ट जो मैंने बॉटम में बताई थी आपको तीन, जिसे एग एपरेटस का भी नाम बोलते हैं, इसमें जो अपर में होती हैं सिंगल सेल फॉर्म में जो होता है वो हमारा एग सेल होता है, और जो दो सेल होती हैं नीचे की तरफ उन्हें हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल। यानी कि ये जो पोलन ट्यूब आप देख रहे हो, इस पोलन ट्यूब का स्ट्रक्चर मैंने जब आपको मेल गैमेटोफाइट बताया था, उस पोलन ट्यूब के अंदर मैंने मेल गैमेट और वेजिटेटिव सेल को बताया था। मेल गैमेट हमारे जनरेटिव सेल से आए थे, वो मेल गैमेट में दो सेल बताए थे मैंने आपको, एक सेल होता है जो कि इसके साथ में आके फ्यूज़ होता है, दोनों के दोनों फ्यूज़ नहीं होते हैं, सिंगल एक गैमिट जो होता है, मेल गैमिट जो होता है वो इस एग सेल के साथ में फ्यूज़ कर जाता है। जो सेकेंडरी
मेल गैमेट जो बचा हुआ रहता है वो जो है मैं आगे बताऊंगी कि उसका काम क्या होता है। ये जो प्रोसेस होती है जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुए स्टिग्मा पोर्शन पर, किसकी हेल्प से? इन एंजाइम की वजह से। इन एंजाइम ने उसके पोलन ग्रेन के एक्साइन वॉल को डिग्रेड किया। डिग्रेड करने के बाद में ये पोलन ट्यूब से होते हुए ये मेल गैमेट कहाँ पर पहुँचा? हमारे एग सेल के पास में पहुँचा। वहाँ पर उसने फ्यूजन करके क्या फॉर्म कर लिया? जायगोट का फॉर्मेशन कर लिया। ये जो पोलन ग्रेन होता है ये एक्स यानी कि हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। हैप्लॉयड नंबर यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। और जो एग सेल होता है ये भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि हैप्लॉयड होता है। तो फ्यूजन के बाद में जो हमें जायगोट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? हमें डिप्लॉयड यानी कि 2x हमें जायगोट मिलता है। ऐसी जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। ये जो ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है ये मोस्टली प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, बट एक्सेप्शनल भी केसेस होते हैं हमारे में। डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है, जो मैंने आपको बताया था कि पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एक्सेल के साथ फ्यूज करके ट्रू फर्टिलाइजेशन करता है, और जो सेकेंडरी जो होता है, सेकेंडरी मेल गैमेट जो होता है, सेकेंडरी मेल गैमेट यहाँ जो ये पोलर न्यूक्लियाई हैं जो फर्दर किसमें सेकेंडरी न्यूक्लियाई में डेवलप हो जाती हैं, इनके साथ जाके फ्यूज कर जाता है और किसका फॉर्मेशन कर लेता है? एंडोस्पर्म का। किसका फॉर्म कर लेता है? एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है, क्योंकि जो मेल गैमेट आता है वो एक्स होता है और जो हमारे सेकेंडरी सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं ये डिप्लॉयड नंबर में होती हैं, यानी कि एक्स और 2x मिलके 3x का फॉर्मेशन कर लेते हैं जो कि एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म जो होता है वो क्या करता है? नरिशमेंट करने का काम करता है। किसको नरिशमेंट करने का काम करता है? जो डेवलप होने वाला हमारा जायगोट होता है, जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फ्रूट, फ्लावर, फ्रूट जो भी बनता है उसको ये डेवलप करने में मदद करता है, उसको नरिशमेंट देता है। तो अगर हम बात करें कि पोलर ट्यूब ओव्यूल के अंदर किस किस वे से, किस किस डायरेक्शन से होके वो पहुंच सकता है, तो देखो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल वो तीन तरीके से हो सकती है। सबसे पहले पोरोगैमी, दूसरा चलजागैमी और तीसरा है हमारा मीजोगैमी। पहला जो पोरोगैमी है, आप इसको स्ट्रक्चर को देखो, स्ट्रक्चर में मैंने बताया था ये वाला पार्ट चलजा होता है, ये वाला पार्ट माइक्रोपाइल होता है, और ये क्या है हमारा? पोलन ट्यूब। अब आप ये देख रहे हो कि ये पोलन ट्यूब कहाँ से होके एंटर कर रहा है? माइक्रोपाइल। यानी कि जब कोई पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल पार्ट से होते हुए ओव्यूल में एंटर करे उस पार्ट को हम बोलते हैं पोरोगैमी। उस एंट्री को, पोलन ट्यूब की इस टाइप की एंट्री को हम क्या बोलते हैं? पोरोगैमी। और इसमें आप देख रहे हो ये चलजा पॉइंट है, ये जो रीज़न है पूरा ये चलजा रीज़न होता है। ये जो पोलन ट्यूब है ये चलजा रीज़न से होते हुए एंट्री कर रही है। इस ऐसे टाइप ऑफ एंट्री को हम क्या बोलते हैं? चलजा को गैमी। और ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये काफ़ी सारी इंटेग्यूमेंट लेयर आप देख रहे हो, इसमें इंटेग्यूमेंट को क्रॉस करते हुए पोलन ट्यूब जो है ओव्यूल के अंदर एंट्री ले रहा है। इस टाइप की पोलन ट्यूब के एंट्री को हम मीजोगैमी बोलते हैं। तो यानी कि तीन टाइप की हमारी पोलन ट्यूब एंट्री हुई। किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर जब पोलन ट्यूब एंटर होता है तो वो तीन तरीके से होता है। पहला पोरोगैमी, माइक्रोपाल पार्ट से होते हुए आता है। चलजागैमी के अंदर चलजा पार्ट से होते हुए आता है। और तीसरा होता है हमारा मीजोगैमी, मीजोगैमी के अंदर इंटेग्यूमेंट पार्ट से होते हुए आता है।
तो ये तीनों जो है हमारे पोलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल के अंदर हैं। अब हमारी एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री पोलन ट्यूब की किस तरीके से होती है ये मैं अब आपको बताऊंगी। तो पोलन ट्यूब की एंट्री हमने किसके अंदर पढ़ ली थी, अभी पोलन ट्यूब की एंट्री हमने ओव्यूल के अंदर पढ़ ली थी। अब जो ये एंट्री दिख रही है आपको, ये एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे होती है। ओव्यूल के अंदर मैंने टू पार्ट्स बताए थे, एक जलजा पार्ट था और एक माइक्रोपाइल पार्ट था। जो एम्ब्रियो सैक के अंदर पोलन ट्यूब जो होता है वो माइक्रोपाइल पार्ट से होते हुए ही एंट्री करता है। वो तीन तरीके से कर सकता है। सबसे पहले तो वो कैसे कर सकता है कि एग सेल और वन सिनर्जिड सेल के बीच में से होके कर सकता है। दूसरा वो एम्ब्रियो सैक और सिनर्जिड सेल के बीच में से होके कर सकता है। तीसरा वो डिजेनरेटेड सिनर्जिड सेल के बीच में से होके कर सकता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो पार्ट है ये चलजा पॉइंट है, जिसमें एंटीपोडल सेल्स आपको नीचे की तरफ दिख रहे हैं। एंटीपोडल सेल्स कौन सी साइड पे होते हैं हमारे, चलजा पॉइंट साइड पे होते हैं। और माइक्रोपाल साइड पे क्या मिलेगा हमें, एग एपरेटस, जिसके अंदर दो एसेसरी सेल्स जिसे हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिड सेल्स, और एक हमारी एग सेल होती है। तो फर्स्ट वाले उसमें पोलन ट्यूब जो होता है वो एक सिनर्जिड सेल और एग सेल के बीच में होके एंटर करता है। दूसरे में आप ये देखोगे कि ये सिर्फ और सिर्फ किस में से होके, एम्ब्रियो सैक और सिनर्जिड सेल में से होके एंटर करेगा। अब पोलन ट्यूब का क्या होता है, पोलन ट्यूब जो होता है, पोलन ट्यूब के अंदर मैंने बताया था टू मेल गैमिट होते हैं, प्राइमरी मेल गैमिट और सेकेंडरी मेल गैमिट। जब पोलन ट्यूब से होते हुए पोलन ग्रेन जो हैं स्टाइल से जब पोलन ट्यूब आता है तो स्टाइल जो होती है उसमें डेंस साइटोप्लाज्मिक पार्ट होता है जो कि बहुत ही रिजिड होती है। इसमें क्या होता है कि हमारा एक जो सेकेंडरी वाला जो मेल गैमिट होता है वो उस टाइम पे डीएक्टिवेट हो जाता है। इसमें जो प्राइमरी मेल गैमिट जो होता है वो जाके एग सेल के साथ में फ्यूज हो जाता है। बट ये जो सेकेंडरी मेल गैमिट जो होता है वो डीएक्टिवेट होता है बट डीजनरेट नहीं होता है। वो क्या करता है, वो जो हमारे पोलर न्यूक्लियाई जो फर्दर डेवलप होके सेकेंडरी न्यूक्लियस का डेवलप कर लेते हैं उनके साथ जाके फ्यूज़ कर लेता है। और जब वो फ्यूज़ हो जाते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लेता है। आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो सिनर्जिड सेल हैं आगे चल के क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं। और यहाँ पर हमारे जो हमारा प्राइमरी मेल गैमिट है वो एग सेल के साथ फ्यूज़ होके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर देता है। तो आप ये देख रहे हो कि इसके अंदर जो पोलन ट्यूब जो एम्ब्रियो सैक के साथ अंदर एंटर करता है तो उसकी एग सेल के साथ में फ्यूज़ करता है। पर उस मेल गैमिट में दो सेल होती हैं जो पोलन ट्यूब लेके आता है, उसमें से जो प्राइमरी मेल गैमिट होती है वो एग सेल के साथ फ्यूज़ करती है और जो सेकेंडरी मेल गैमिट होती है वो हमारे सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में जो सेंटर में प्रेजेंट होता है ओव्यूल के उसके साथ फ्यूज़ करती है और हमारी प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाता है। इसमें क्या होता है, आप इसके अंदर दोनों ही कंडीशन को देख सकते हो, ट्रू फर्टिलाइजेशन भी और डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन भी देख सकते हो। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हो गया कि एक फर्टिलाइजेशन तो हुआ हमारा किसका, पोलन प्राइमरी मेल गैमिट का किसके साथ में, एग सेल के साथ में। दूसरा जो हुआ हमारा सेकेंडरी मेल गैमिट का सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में, ये तो हुए दो फर्टिलाइजेशन। और इसमें ट्रिपल फ्यूजन कैसे हुआ, जो हमारी सेकेंडरी न्यूक्लियस होती है इसके पास हमारे ऑलरेडी टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और जो सेकेंडरी मेल गैमिट जाती है इसका खुद का एक न्यूक्लियस होता है। तो टू न्यूक्लियस प्लस वन न्यूक्लियस ऑफ सेकेंडरी मेल गैमिट मेक्स प्राइमरी एंडोस्पर्म विच इज़ ट्रिप्लॉइड इन नंबर, यानी कि यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो कि यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है। तो
जो ये फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन होता है, कई बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है कि एक्चुअली ये फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन तो वो होता है जिसमें मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होकर जायगोट का फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, मेल गैमिट में भी दो मेल गैमिट पहुँचते हैं, प्राइमरी मेल गैमिट और सेकेंडरी मेल गैमिट। प्राइमरी मेल गैमिट जो होता है वो किसके साथ फ्यूज़ कर लेता है, वो हमारे एग सेल के साथ फ्यूज़ करके क्या बना देता है, जायगोट का फॉर्मेशन कर लेता है। ये तो हमारी होती है ट्रू फर्टिलाइजेशन। अगर हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसी ओव्यूल के अंदर जो सेकेंडरी मेल गैमिट होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में जाके फ्यूज़ हो जाता है और वो क्या बना लेता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म। वो जो हमारा ट्रू फर्टिलाइजेशन था वो जायगोट का फॉर्मेशन करता है, और डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और जो एंडोस्पर्म होती है वो हमारे ओव्यूल को जब जायगोट डेवलप करता है, एम्ब्रियो डेवलप करता है, उसको नरिशमेंट देने का काम करता है। तो आज हमारा यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन टॉपिक जो होता है वो ख़त्म होता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को बताऊंगी। थैंक यू।